हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SNS फूड जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मसाला। पनीर मसाला बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए वो है पनीर। पनीर मैंने 400 ग्राम लिया हुआ है। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने फाइन चॉप किया है। 3 से 4 ग्रीन चिली मैंने ली है। गरम मसाला में मैंने तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। सूखे मसाले में मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर और धनिया पाउडर लिया है। मैंने एक टमाटर लिया है जिसे फाइन चॉप कर लिया है। 2 बड़ी चम्मच मैंने बेसन लिया है जिसे हमने भूनना है। आइए अब हम पहले बेसन भून लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन गरम किया है, इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। इसे हम गोल्डन होने तक भूनेंगे। जब तक हमारा बेसन भून रहा है हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन में तेल गरम किया है, इसमें हम अपना पनीर फ्राई करेंगे। इसे हमें लाइट फ्राई करना है। हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, इसे हम साइड में रखते हैं और बेसन चेक करते हैं। बेसन भी हमारा भून चुका है, इसे भी आप साइड में रख दें। आइए अब हम पनीर के लिए मसाला प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है, इसमें मैं अपने गरम मसाले ऐड करूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। अब मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। हमें प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है, इसे भी हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और तेल छोड़ने तक इसे फ्राई करें। ये हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें अपना भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे। ये मैंने इसे ऐड किया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने हमारा बेसन अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी धीरे धीरे करके आप इसे ऐड करें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें। थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पानी डालें क्योंकि बेसन की वजह से ग्रेवी थिक होगी। पानी डालने के बाद अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये हमने पनीर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये हमारा पनीर मसाला बन चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। इसे हम रोटी, चपाती, राइस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।